फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कानून और आपके अधिकार ता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल कानून और आपके अधिकार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हाँ कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जब कभी कभी किसी ऑफेंस की एफआईआर तो लॉन्च हो जाती है बट उस एफआईआर के लॉन्च होने के बाद पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि एफ लॉन्च होने के बाद पुलिस उस पर कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं तो पहली बात तो ये कि जब भी कोई ऑफेंस होता है यानी कि कोई घटना होती है कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस इंक्वायरी के लिए उस घटना स्थल पर जाती है लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड्स करती है अगर ये सब कुछ काम पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है या फिर आपको बार बार पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने पर एफआईआर के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन लेने पर ऐसा लगता है कि पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है या बहुत लापरवाही के साथ उस पर काम किया जा रहा है तो फिर इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें ऐसी सिचुएशन में लोअर कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है उस एप्लीकेशन के थ्रू एफ़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है ये एप्लीकेशन लोअर कोर्ट की उस कोर्ट में फाइल होगी जिस कोर्ट में उस पुलिस स्टेशन का जो रिस्ट्रेक्शन आता होगा इस एप्लीकेशन पर कोर्ट द्वारा एक डेट फिक्स की जाती है उस नेक्स्ट डेट पर आपकी एफआईआर पे जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे वो उस डेट पर कोर्ट में अपीयर होंगे और वो कोर्ट को बताएंगे कि उस एफआईआर पर क्या प्रोग्रेस हुई है मतलब एफ लॉन्च होने के बाद उस पर उनके द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है आप ये एप्लीकेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए कोर्ट में कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन पर फाइल करते रहें जिससे आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि आपकी एफआईआर पर क्या कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है बार बार प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने पर पुलिस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा और पुलिस द्वारा जो उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है वो फिर पुलिस द्वारा उस पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया जाएगा ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तब तक मांगते रहिए जब तक कि चा शीट फाइल नहीं हो जाती है फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मजबूत एफआईआर लिखवाते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है तो उस टॉपिक पर मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप वहाँ से क्लिक कर कर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ अपने वैल्युबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो